हमारा राजस्थान न्यूज सच दिखाता है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की पहली पसंद बनी सूर्य नगरी जोधपुर, या हिंदी फिल्मों के साथ साथ पंजाबी सिंगर नविंदर भी एल्बम की शूटिंग करने पहुंचे जोधपुर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से मशहूर सूर्य नगरी जोधपुर अब बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं को खास पसंद आ रही है, या यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में नगर कोई फिल्म की शूटिंग एल्बम या फिर कोई एड, जोधपुर सूर्य नगरी उनकी पहली प्राथमिकता बन गई है। हाल ही में जोधपुर में बादशाहों हो या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, झांसी की रानी, अकीरा सहित हिंदी फिल्मों की जोधपुर और आसपास के क्षेत्र में शूटिंग की गई। जहां पंजाब की बात करें तो वो ज़्यादा शूटिंग विदेशों में करते हैं, मगर अब पंजाबी सिंगर देश विदेश में शूटिंग के बाद राजस्थान जोधपुर में अपना एल्बम शूटिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंजाबी सिंगर नविंदर, जिन्होंने संवेग वक्रा वक्रा, तू मेरी की लगदी और अट तेरा यार जैसे हिट वीडियो एल्बम सॉन्ग बनाने के बाद अपने अगले वीडियो एल्बम की शूटिंग जोधपुर के दैफरिन होटल और कायलाना रोड और ओसिया के धोरों और आसपास के क्षेत्र में कर रहे हैं। उनकी यूनिट को जोधपुर का खान पान और यहाँ की अपनायत और संस्कृति यहाँ ले आई। अब हर एल्बम की शूटिंग वह राजस्थान में करना चाहेंगे। सिंगर मनिंदर के साथ मुंबई के मशहूर मॉडल प्रेरणा शर्मा और पंजाब के अज्जू पाजी भी वीडियो में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनेकों देसी एल्बम की शूटिंग तो यहाँ रोजाना देखने को मिलती है, परंतु बड़े स्टार अभिनेता और अभिनेत्रियों की भी पहली पसंद बन चुका है ये शहर। जोधपुर से सुरेश पंवार आगुआ की रिपोर्ट। जोधपुर आप आए हैं, आपका एल्बम जहाँ पे लॉन्च हो रहा है उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जोधपुर एक्चुअली बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सिटी है, तो जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया था तो उसके हिसाब से देखा कि पूरा मतलब सर्वे वगैरह किया कि ये गाने के लिए लोकेशंस तो ढूंढनी चाहिए, तो मतलब देखा कि जोधपुर से अच्छी लोकेशंस और सिटी नहीं मिली हमें, तो इसलिए हमने जोधपुर में आके काम किया और जोधपुर में काम करके बहुत मजा आया। यहाँ पे पब्लिक है, बहुत सपोर्टिंग है ना, तो मतलब कि अच्छा लगा जोधपुर में काम करके। जहाँ सर पंजाब का जो भी एल्बम होता था आउट ऑफ इंडिया, आप राजस्थान की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया फॉरेन वगैरह तो आजकल सब लोग दिखा ही रहे हैं वीडियो में, तो हम थोड़ा सा कुछ करना चाहते थे डिफरेंट। हम चाहते थे कि अपना एरिया दिखाएं, अपना इंडिया थोड़ा सा मतलब कि करें, तो मतलब कि हमारा देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत ऐसी जगह है जो मतलब कि फॉरेन से भी अच्छी है, कई ऐसी जगह। अभी रॉयल सिटी है राजस्थान, रॉयल स्टेट है राजस्थान, तो जोधपुर उसमें से बेस्ट है, तो बहुत अच्छा मतलब कि यहाँ पे लोकेशन है, मतलब कि फॉरेन से भी अच्छी कई लोकेशन यहाँ पे है, मतलब कि अच्छा है। सर यहाँ पे अगर फिल्म सिटी हो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जरूर होनी चाहिए फिल्म सिटी, क्योंकि यहाँ पे लोकेशंस इतनी प्यारी प्यारी लोकेशंस है यहाँ पे, जो मतलब कि आई थिंक इंडिया में बहुत कम जगह है जो जहाँ पे मतलब कि प्यारी अच्छी लोकेशंस है, मतलब कि रॉयल लोकेशंस है बहुत कम, यहाँ पे होनी चाहिए फिल्म सिटी। हाँ नरेंद्र सर जी बताइए, आपका यहाँ पे एल्बम है स्वैग के बाद में बड़ी कामयाबी मिलने के बाद आप राजस्थान आए और राजस्थान में आप अपना अगला एल्बम शूट कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। ये गाना है डॉल्चे गबाना, इसका नाम है, तो म्यूजिक किया इसका डीजे ट्विन बीट्स जो कि अमेरिका के लड़के हैं, तो लिखा है रूमी मोहन का और मैंने गाया है, और अपर्णा शर्मा शी इज़ फ्रॉम मुंबई, उसने मतलब एक्ट किया है वो ने गाने की। तो जोधपुर में काफ़ी देर से आना चाह रहा था, तो ये गाने के लिए मौका मिला आने के लिए, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अच्छी लोकेशन है काफ़ी, तो काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पे। जोधपुर के आसपास में भी सर आपने काफ़ी जगह शूट किया है, कैसा लगा जोधपुर आपको? जोधपुर मेरे को बहुत सही लगा, तो मतलब काफ़ी देर से हमने, जैसे मैंने पहले बनाया कि मतलब काफ़ी देर से हम आना चाह रहे थे यहाँ पे, तो अभी हमारा प्लान बना था, दो गाने करने आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी हमारा एक ही हुआ यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा लोकेशन का चक्कर पड़ेगा कि मतलब नहीं मिला टाइम पे, तो इसकी वजह से हम वापस आएंगे तो दोबारा फिर आएंगे जब थोड़ी सी सर्दी होगी। सर यहाँ पे फिल्म सिटी का अभाव है, राजस्थान भी इस चीज़ों से पिछड़ा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहें? फिल्म सिटी मेरे को लग रहा है होनी चाहिए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं उनको भी कुछ काम मिले वहाँ पे, तो मतलब अच्छा होगा कि इजी हो जाएगा कि यहाँ का कल्चर है और ज़्यादा प्रमोट होगा उससे, तो लोग आएंगे बाहर से आएंगे तो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो अच्छा रहेगा, मेरे को लग रहा है कि होना चाहिए फिल्म सिटी यहाँ। अगले अगर एल्बम सर आपके आते हैं तो क्या आप वापस राजस्थान की तरफ रुक करेंगे? जी डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ के
जो टीम थी यहाँ की बड़ी अच्छी टीम थी वो बड़ी सपोर्टिव थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे मतलब काम करके और कोई दिक्कत नहीं आने दी उन्होंने। जैसे कि आपको राजस्थान में जो फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो पूरा हो जाए, ताकि एक्चुअली में सर राजस्थान इंडस्ट्री आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बैक है अभी, म्यूजिक इंडस्ट्री में हो चाहे मूवी इंडस्ट्री में हो। एक टाइम था जो राजस्थान इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, अब राजस्थान की जो धरोहर है, जो लोकेशन है, बॉलीवुड पंजाब उनको सबको यूज़ करके उस पर यूज लेवल पर उनको लॉन्च करता है, और अगर फिल्म सिटी भी यहाँ पर बन जाती है तो राजस्थान के जो आर्टिस्ट जो डाउन हो रहे हैं अभी डे बाय डे मार्केट में, तो उनको भी चांस मिलेगा, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं जो बॉम्बे के आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, पंजाब के आर्टिस्ट पंजाब आर्टिस्ट, बट आज पंजाब के आर्टिस्ट राजस्थान के साथ काम कर रहे हैं, तो पंजाब के आर्टिस्ट भी आएंगे, बॉलीवुड के आर्टिस्ट भी आएंगे, तो राजस्थान के आर्टिस्टों को भी चांस मिलेगा, उनको भी एक जो उनका एक रहता है मोटो हमेशा कि हम लाइफ में कुछ करें, हम भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस बड़ी इंडस्ट्री में जाएं, तो एक फिल्म सिटी बनने से उससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है हमारी राजस्थान इंडस्ट्री को। जोधपुर आप आए हैं इस एल्बम में, कहाँ कहाँ आपका शूट हुआ है? हमारा पहली बार शूट हुआ होटल फॉर्न रेजिडेंसी में, मामा क्लब में हमने शूट किया, फिर उसके बाद हमने मित्रा बिल्डर्स के वहाँ शूट किया, मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो लोकेलिटी, काफ़ी विंडी भी थी, बहुत धूप की तरह शूट करी बट थैंकफुली इट वॉज वेरी विंडी, सो एंड फिर हमने उसके बाद शूट किया ओशियान में डेजर्ट में, जो मेरा फर्स्ट टाइम था डेजर्ट के ऊपर, सो आई एम ग्लैड वॉज इन राजस्थान इन इंडिया फर्स्ट टाइम आई एवर गॉट टू बी ऑन डेजर्ट। मैम जोधपुर आप आए, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, मैं बचपन में डैड एक पोस्ट में थी, तो बचपन में 3 हफ्ते के लिए यहाँ पे कुछ पोस्टिंग हुई थी, तो हम लोग यहाँ रहे थे 3 हफ्ता, बट मुझे जोधपुर का कुछ याद नहीं, बट आई रिमेम्बर द एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। जोधपुर का भी इतना गर्मी का माहौल है, इसमें आपका शूट करना कैसा? गर्मी के मौसम में शूट करने में डिफिकल्टी तो होती है, बट अभी बारिश भी हो रही है बीच बीच में, तो उसकी वजह से मौसम अच्छा होता जा रहा है।